सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आज साउंड में प्रॉब्लम है या सबकी वॉइस में प्रॉब्लम, मेरी या लोगों की, आई डोंट नो। कुछ है जो फ्लो से नहीं है, क्योंकि जो वो बहन गवाही देकर गई सबसे पहले अटक अटक कर चल रहा था कुछ, या तो मिसिंग कर रहा कुछ। मैं सुबह भी बोल रहा था, अब सारे लोग बैठ जाओ आराम से और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए स्पेशल और ख़ास टाइम है सबके लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि बहुत स्पेशल और ख़ास टाइम है हमारे लिए? सुनो ध्यान से, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम और गवाहियों को सुनें जिससे हमारा विश्वास बढ़ेगा, लेकिन मैं तुम सबको, वैसे तो अभी ये बात मुझे थोड़ी सी बाद में करनी चाहिए, क्योंकि अभी बड़े और भी हैं जो लोग जिनको ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है, तो फिर हम वेट करेंगे थोड़ा टाइम ताकि ये सबको बात सीखने में मिले। इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये। एक चीज़ याद रखो, आप सारे लोग जब आप चुने गए हो परमेश्वर के साथ, तो ये उत्तम विषय है हमारा चुने जाना। कितने को पता है उत्तम विषय चुने जाना? हालेलुया, ये उत्तम 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 विषय है। ठीक है, सुनो ध्यान से, जब तुम्हें समझ आएगा ना रूह बचाने का ज्ञान, जब तुम्हें ये समझ आएगा कि पृथ्वी पर मनुष्य क्यों पैदा हुआ और मनुष्य का जो ये जीवन है ये कितना कीमती विषय है, जब ये बातें तुम्हें अच्छे से समझ आएगी, फिर तुम वो नहीं करोगे जो शैतान का है या दुष्ट का है या वो नेगेटिव चीज़ें। क्योंकि आप जानते हो ना, बहुत सारे जो बिलीवर्स होते हैं परमेश्वर में चुने जाते हैं, जब उसके बाद भी उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूँ या दुष्ट की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। बहुत बार जानते हो लोग 80% मसीह में परमेश्वर के साथ भी चलते हैं और दुष्ट की इच्छा भी पूरी करते रहे, दोनों तरफ चलते रहते। वो परमेश्वर के साथ पूरा उसकी इच्छा में कन्वर्ट नहीं हो पाते, जिसको बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म हम बोलते तो हैं, अब सोचो जैसे मान लो कुछ भी जब नया होता है, ब्रांड, बिल्कुल ब्रांड नया होता है, तो जो नया होता है वो नया होता है ना। जैसे मान लो एक शोरूम से गाड़ी निकाल दी, तो वो सबसे पहले नई होती है, फिर कुछ सालों के बाद वो पुरानी हो जाती है, उसको डेंट पड़ जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं, उसके कई पुर्जे खराब हो जाते हैं। तो हमारा पुराना जीवन भी ऐसे ही था, उसमें बहुत कुछ खराब था, पुर्जे नट नुट सब हिल जुल गए थे, सारी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो उससे एक नया जन्म चाहिए था, एक स्वच्छ, एक खास, ब्रांड न्यू, बढ़िया वाला। तो वो यीशु मसीह में वो क्या है, कितने इस सोच में, कितने इस प्रैक्टिकल में, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फिर आएगा जिंदगी का असली मजा। हालेलुया, जिंदगी का असली मजा। अब जानते हो मैं जब इन दिनों में प्रेयर में हूं, तो परमेश्वर मुझे कुछ खास चीजें बता रहा है, खास खास अपना ज्ञान, अपने मन की बातें। अन्ना जैसे मैं बाइबल में पढ़ता था, तो वहां पर लिखा कि परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें, जो परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें, वो हमें कैसे समझ आएगी? बोलो, उपवास रखने से, किसी ऑनाइंटिंग चीज से? नो, वो समझ आएगी परमेश्वर के आत्मा से। आपको समझना पड़ेगा ना, जो परमेश्वर का आत्मा है हमारे लिए, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के मन की गूढ़ बातों को जान सकते हैं। थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में, इस वचन के बारे में थोड़ा ध्यान दो और सोचो। अभी जो सर्वशक्तिमान है और हम छोटे से इंसान हैं, क्या है हम पृथ्वी पर? बाइबल कहती मिट्टी की धूल के समान, घास के समान,
ये हैं हम, मिट्टी की धूल उड़ी और फिर कहाँ गई कुछ पता नहीं, घास पर धूप लगी सूख गया खत्म हो गया, ऐसे परमेश्वर ने बताया। लेकिन सोच कर देखो, वो एक छोटा सा मनुष्य और एक सर्वशक्तिमान खुदा, उसके मन की बातों को जानना, गूढ़ बातों को, वो भी किस कैसे, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो फिर ये पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना है आपने, जिसे आपको समझ आएगी। तो ये सारे पॉइंट, क्योंकि जब मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूं तो जीते जीते मैं साथ साथ अपनी टीम, परिवार, लोग, दुनिया सब जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, परमेश्वर मैं तेरा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, तूने सच्ची इतनी बुद्धि दी मुझे, इतनी समझ दी मुझे। और ये इसलिए दी उसने क्योंकि मुझे उसने अपना लाखों करोड़ों रूहों को बचाना है, इसलिए हालेलुया, क्योंकि करोड़ों रूहों को बचाने की जिम्मेवारी दी है। सुलेमान को परमेश्वर ने जब इज़राइल की राजे की गद्दी पर बढ़ाया तो सुलेमान भी कुछ कुछ बुद्धि रखता था। वो जानता था कि इतना बड़ा राज्य चलाना कठिन काम है, इस राज्य की देखरेख करना, जैसे अभी हमारे पंजाब के ऊपर एक मुख्यमंत्री है, तो वो उसको इतनी समझ नहीं है इस स्टेट को चलाने की, तो लगभग वो सरकार फेल हो रही है। क्या हो रही है, क्योंकि ये बड़ा विषय है ना, कि क्योंकि जिस चीज़ का तजर्बा नहीं है वो काम फिर गड़बड़ हो जाता है। आपको समझ आती कि नहीं आती। तो इसीलिए सुलेमान भी जानता था, तो सुलेमान जानता था कि ये परमेश्वर से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए उसने क्या किया, बहुत सारी भेंटें, बाइबल में लिखा हजार से भी ज़्यादा भेंट परमेश्वर के सामने लिया, लेकर गया, परमेश्वर के सामने चढ़ाई, भेंट बलिदान चढ़ाया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने खुश होकर, आप जानते हो ना, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर दें तो वो परमेश्वर हमसे खुश होता है, पता है या नहीं, बोलो। आप कुछ भी करते हो तो परमेश्वर से खुश होता है या नहीं, होता है या नहीं? Yes. अगर आप मान लो, जिन लोगों ने इस चर्च को बनाने के लिए अपना सोना बोया, अपना शरीर भी बोया, बड़े लोगों ने, शरीर बोने का मतलब यहाँ आकर सेवा की, ईंटें उठाई, झाड़ू, सब कामों को किया, तो ये शरीर बोया। कुछ लोगों ने सोना बोया, कुछ लोगों ने पैसा बोया, चीज़ें बोई, तो परमेश्वर तो गुस्सा कर गया होगा इस बात से, बताओ मुझे, हैं, गुस्सा कर गया होगा कि तूने ये क्यों किया। अरे परमेश्वर खुश हुआ जब सुलेमान ने ऐसा किया, तो परमेश्वर उससे खुश हुआ, क्योंकि भेंट चढ़ाने का मतलब होता है हमें चीजों से प्यार नहीं। अगर हमें चीजों से प्यार है, पैसे से प्यार है, तो फिर हम परमेश्वर के लिए उसे यूज नहीं करेंगे। तो जब हम करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है कि नहीं, इसको मुझसे प्यार है। हालेलुया। किससे प्यार है, मुझसे प्यार है, इसीलिए इसने अपनी चीजों को मेरे लिए चढ़ाया। आप जानते हो, जब यहां पर हमने जलालाबाद क्रूसेड करना था, तो मैंने टीम को कहा इधर बसें तो होंगी कईयों की, जो चर्च आते हैं, स्कूल बस भी होगी, कई तरह की होंगी, उन्हें बोलो एक दिन सेवा करो। वो कहते नहीं नहीं जी, हमारा सरता नहीं है, हमारे बच्चे हैं स्कूल के, नहीं, हम मुश्किल है। तो मैंने कहा उनसे पूछना, मतलब उनको बोलना, माइंड ना करना, उदाहरण दे रहे हैं, अगर वो खराब होगी सुबह सुबह तो, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगर अचानक सुबह खराब होगी, सारा दिन ठीक नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, फिर क्या करोगे, फिर कैसे लेकर जाओगे बच्चे, सोचो। तो इन्होंने शायद नहीं बताई होगी बात उनसे, मतलब कहने का मतलब, कभी मुझे देखो, मेरी लाइफ, मैं आज अगुआ क्यों हूं, मैंने 2000 में जब मैं बोने लगा, बड़ा बोने लगा परमेश्वर के लिए, तो 2006 में परमेश्वर ने मुझे, उन दिनों में 2006 में ब्रांड न्यू सेंट्रो गाड़ी दी, सेंट्रो। उन दिनों में
सेंड्रो गाड़ी की इतनी कीमत होती थी, किसी किसी के पास होती थी, और जिसके पास होती थी कहते वाह क्या बंदा है ये, बड़े अच्छे घराने से। मरुति होती थी, एम्बेसडर होती थी, सेंड्रो उन दिनों में बड़ी चर्चा में थी। जब मैंने ली क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दी, मैं बोता था, उसके साथ चलता था। मैं 2002 में आया और 2006 में दे दी, इतना बरकत दे दी बोनने से। लेकिन उसके बाद मैं जिस पास्टर के पास जाता था ना, वो पास्टर जी सोचो, जैसे आपको तो हम दो दिन चार दिन पहले 10 दिन बताएंगे सेवा करो, वो मुझे एट अ टाइम फोन कर देते थे। जैसे सुबह मुझे 9 बजे कहते हैं आज तू 1 बजे कार लेकर आ जा, हमने वहां जाना बंदगी में। कभी सुबह 8 बजे कर देना, कभी 10 बजे कर देना, कभी मैं काम पर होता था। उनकी आवाज आई क्या, मैं सब काम कुम छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर उनके पास पहुंच जाता था। सोच कर दे, ये ऐसा दिल था मेरे पास। मैं सोचता था खुदा के दास ने कहा और मैं ना पूरा करूं, कितनी गंदी और बुरी बात होगी। मेरे मेरे दिल में ऐसे चलता था कि खुदा के दास की मतलब बात परमेश्वर की बात है, तो मैं इसको काट नहीं सकता। मुझे वो महीने में 14-15 दिन ले जाते थे इधर उधर, और मैंने कभी तेल तक भी नहीं उनसे कहा कि डालो, सारा अपना डालता था। इसीलिए मैं इतना ब्लेस हो गया, याद रख, इसीलिए मैं इतना ब्लेस हो गया। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं आती? लेकिन याद रखना, हम एक्सक्यूज देते हैं, बहाने मारते हैं। लेकिन सुलेमान जब परमेश्वर के सामने भेंटों को लेकर गया, तो परमेश्वर ने खुश होकर उसी रात उसे दर्शन दिया और कहा मांग, क्या मांगता है, क्या चाहिए तुम्हें। तो जानते सुलेमान ने क्या मांगा, बुद्धि, समझ। उसने परमेश्वर को कहा देख परमेश्वर, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसी बुद्धि और समझ चाहिए कि जो तूने मुझे बड़ा काम दिया है, इतनी रूहें, इतना बड़ा काम है तेरा, बस मैं इन्हें इस राज्य को, तेरी प्रजा को सही से चलाऊं, मुझे ऐसी समझ दे। तो परमेश्वर ने खुश होकर है ना कहा, तू चाहता तो मुझसे हमेशा के लिए अमरता का वरदान मांग लेता, कभी ना मरना, कोई ऐसा हथियार मांग लेता जैसे पूरी दुनिया को जीत लेता, या तुम दीर्घायु मांगता है ना। लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं मांगा, तूने सिर्फ समझ मांगी, बुद्धि मांगी। तो मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि और समझ दूंगा कि राजाओं में से ना तो तेरे से पहले किसी की थी और ना ही किसी के बाद में तेरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। कितनों की समझ आ रही है आज बात। इसीलिए परमेश्वर ने भी मुझे बुद्धि दी, क्योंकि मैंने भी मांगी, मैंने भी चाहा कि मैंने तेरा काम करना है। कितनों को समझ आ रही है, आ रही है ना, आ रही। तो ये बड़ा विषय है आपका, परमेश्वर के साथ समझ के साथ चलना। जब परमेश्वर ने सूरज बनाया आपके लिए, तो क्या आप डाउट करते हो सूरज के लिए, पता नहीं ये खत्म ना हो जाए, पता नहीं ये काम ना करें। क्या आपके दिमाग में कभी कोई डाउट आता है सूरज के प्रति, किसका काम है सूरज को, किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, किस काम के लिए बनाया, आपकी रोशनी के लिए, ऊर्जा के लिए। अगर आप जानते हो ना, सूरज नहीं है तो फसलें भी पैदा नहीं होंगी, आपकी बॉडी को विटामिन बी मिलता है सूरज से, वो उन्हें तो टैबलेट खानी पड़ेगी। गोरों के देश में जाओ, ठंडे देशों में, वहां विटामिन बी की रोज गोलियां खाते हैं, इतनी ठंड होती है। तो सूरज का बड़ा महत्व है ना, उसने ऑक्सीजन को बनाया। तो जो परमेश्वर ने तुम्हें जीवन देने का काम किया है, अगर कोई कहता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, इसका मतलब उसे समझ नहीं आ रही कि जो जीवन देने का काम परमेश्वर ने पूरा किया है, उसके अंदर वो फिट नहीं बैठा, वचन समझ में नहीं बैठा, उसकी समझ उसके साथ काम नहीं कर रही जिससे उसको जीवन मिले, अच्छा हीलिंग मिले, छुटकारा मिले, डिलीवरेंस मिले, जो कि परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। आंखें बंद करके के पिता परमेश्वर प्रार्थना करो, सब जो ऑनलाइन है, कि परमेश्वर पिता हम जो तेरा कलाम, पवित्र वचन सुनने वाले हैं, वो जीवन है, जीवन मिलने का आधार है,
उज्जीवन है खुदा, निश पूरी रीति से मुझे समझ आएगा, मेरे मन में बैठेगा, मैं उस पर चलूंगा, मैं उस वचन को पूरा आदर दूंगा जो तेरा पवित्र वचन है। खुदावंद आप मेरे साथ ऐसा कर चुके हो, आज कोई नेगेटिविटी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा नहीं पाएगी, खुश नहीं होगा, सब ब्लेसिंग होगी, बरकत होगी, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह नाम। आमेन। अपने बाइबल अपनी कॉपी पेन ऊपर उठाओ, सब लोग ऊपर उठाओ अपने बाइबल हाथों में, ऊंचा करके उठाओ अपनी बाइबल पेन कॉपी और हिलाओ उनके सामने जिनके पास नहीं है, और बोलो मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, बेटा हूँ, तुम क्या हो, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है, क्या तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें इस पवित्र ग्रंथ बाइबल की कोई वैल्यू नहीं बताए, हिलाओ हिलाओ एक बार फिर से। परमेश्वर पिता जितने लोगों के हाथ में बाइबल है इनका घर परिवार तेरे वचनों से भर जाए, इनका जीवन वचनों से भर जाए, और जो नहीं लेकर आए खुदा ने शो ताकि उनके अंदर भी ये वचन रखना आगे बढ़ना सोच बन जाए, यीशु नाम से आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पहला दिन है जलालाबाद ब्रांच में, आज वहाँ पर लोग बैठे हैं आकर, तो हमने शायद कोई वीडियो नहीं मंगाई ना कोई फोटोस मंगाई है, लेकिन आज पहला दिन है वहाँ पर हमारी ब्रांच का जलालाबाद में, और धीरे 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 ब्रांचेस खुल रही है। लेकिन ये याद रखो हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनको एक बड़ा बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा सही परमेश्वर के साथ ज्ञान का और हमारी मेहनत का। जैसे अभी मैं एक महीने के बाद जलालाबाद में जाऊंगा वापस, वहाँ पर एक महीने के बाद जो हमारा क्रूसेड है 12 नवंबर को बठिंडा में, वो हमारा सबसे बड़ा क्रूसेड होगा आज तक इस मिनिस्ट्री का, जितने भी हमने क्रूसेड किए सबसे बड़ा वो है। तगड़ी मेहनत स्टार्ट हो चुकी है, टीमें पहुंच गई है वहाँ, कल की हमारी यहाँ से टीमें जा चुकी है, और बहुत सारे हमें बच्चे चाहिए वहाँ प्रचार करने के लिए, पोस्टर बांटने के लिए, पैम्फलेट बांटने के लिए। तो जैसे वो लड़का 1.5 लाख का बिजनेस छोड़कर और 15 दिन राजा सांसी क्रूसेड में सेवा के लिए गया था, तो क्या उसको घाटा हुआ या उसने परमेश्वर को खुश किया? जब तुम ऐसी चीज़ों में आगे नहीं आते, तुम अपने जीवन में कोई भेंट नहीं रखते परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। आप जानते हो बाइबल में ऐसे क्यों लिखा, अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। शरीर के साथ जो जो परमेश्वर के कानून बनते उनको पूरा करना, वो भेंट भी परमेश्वर के सामने चढ़ानी। अगर हम नहीं चढ़ाते तो याद रखना हम खाली हैं। अगर आप परमेश्वर के सामने गए नहीं, कोई भेंट आपके हाथों में कोई चीज़ ही नहीं है, खाली हाथ है, तो किस चीज़ को परमेश्वर ब्लेस करे आपकी, बोलो? अगर आप बिल्कुल खाली हो तो उसने 15 दिन, देखो आज उसके पास पैसा है, शांति है, बरकत है, जीवन है, सब कुछ है, क्योंकि उसने अपने जीवन को भी भेंट करके चढ़ाया। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते, काम सारे चाहते हैं लेकिन कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते, उसके राज्य के लिए नहीं कुछ करते। लेकिन आज मैं प्रचार के बाद एक भविष्यवाणी आपको बताऊंगा अपनी, उसके ऊपर एक टेस्टिमनी देंगे आज हम मेरे प्रीचिंग के बाद। लेकिन वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस दिन ये ट्यूसडे जो बीता है 8 अक्टूबर को, ये अभी 3-4 दिन पहले हमारा जलालाबाद में क्रूसेड था, तो मैं अगले दिन यहाँ लगभग 1 बजे तक आ गया था चर्च में। 4:30 बजे हम सोए थे सुबह,
थोड़े टाइम में उठकर प्रेयर की, कुछ काम करने दे किए। उसके बाद लगभग मैं 1 बजे यहाँ था, यहाँ मैं लोगों को टीच कर रहा था, शाम को मैं प्रेयर पिलर में था। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे इरादे और मेरा जो हियाब है, दलेरी है, जो मेरा वो मन है तगड़ा, वो इरादे बड़े तगड़े हैं मेरे, कमज़ोर नहीं है। क्या नहीं है मेरे इरादे? कमज़ोर नहीं कि मैं अभी आया हूँ, 4:30 बजे सोया हूँ, क्या करना, रेस्ट करते आज, इतना बड़ा क्रूसड करके आए। मैं ये इसलिए आया था, मैं अपनी टीम को सिखाना चाहता था, ताकि हमारी टीम को ये समझ आए कि अगर, क्योंकि टीम क्या करती, जब भी क्रूसेड होते हैं ना किसी जगह 3-4-5 बंदे छुट्टी मार लेते बिना बताए, थक गए हैं जी। तो मैं सोचता था उनको समझ आए कि अगुआ आ सकता तो हम क्यों नहीं। लोग भी क्या करते ना, अच्छा पापा जी गए होंगे क्रूसेड पर, फिर ढीला, फिर प्रेयर पिलर में ध्यान नहीं देना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम पहला दिन हमारा स्टार्ट होता है परमेश्वर के साथ, जैसे मान लो आप जिम जाते हो, तो पहले दिन जो जिम शुरू करते हो, तो जो पहले दिन का जिम होता है वही एंड तक रहता है या बढ़ाना चाहते हो उसको? बोलो, लोग बढ़ाते हैं जिम को गए या वही उतना ही रह जाते हैं? या आप जॉब करते हो या अपना बिजनेस करते हो, आपने जॉब शुरू की 5,000 से या 10,000 से, तो क्या 5 साल बाद भी 10,000 ही चाहते हो? बताओ मुझे, बोलो, 5 साल बाद भी आप बस वही रहना चाहते हो 10,000 पर ही, या आगे बढ़ना चाहते हो? बोलो, आपका बिजनेस है कोई भी, आपकी दुकान है, शॉप है, क्या आप उतनी छोटी सी रहना चाहते हो या उसको बड़ा लेकर जाना चाहते हो? तो वो कैसे होगा फिर? छुप करके तो नहीं होगा, आराम से तो नहीं होगा, सोचने से तो नहीं होगा, करने से होगा, करने से। इसी तरह से जब मैं वो क्रूसेड किया, शाम को मैं प्रेयर पिलर में था, मैं थर्सडे, मैंने 11 बजे आया, मैं बोला था मैं 11:30 बजे यहाँ हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो पूरी वर्शिप के बाद टेस्टमनी के बाद फिर 2 वर्शिप, उसके बाद मैं पुलपट पर आता हूँ। मैं तो सुबह भी आ सकता हूँ और जल्दी आ सकता हूँ, लेकिन ये बात याद रखो, मैंने बोला था कि मैं आऊँगा, मैं आया हूँ, पिछली बार भी मैं गवाहियाँ दे रहा था। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपनी बरकत को कितना लेना चाहते हो परमेश्वर से? थोड़ा सा लेना चाहते हो या पूरा? नहीं, ये तो कहेंगे पूरा, आप बरकत चाहते हो पूरा, लेकिन परमेश्वर को अपना मन, टाइम, सब कुछ अधूरा देते हो। कितने लोग तो पूरी गवाहियां निकल गई फिर आए होंगे कुछ लोग, अरे 12-1 बजे जो लोग आएंगे 1 बजे चर्च में, जैसे पुराने जमाने में, पुराना जमाना होता था ना, आज तो दुनिया अंदर सोती है, बाहर पता नहीं सोते कि नहीं सोते लोग, लेकिन मेरे जमाने में कोठे के ऊपर सोते थे। तो लोग क्या करते थे, सूरज उगने से पहले उठ जाते थे, अगर थोड़ी सी धूप चढ़ गई तो लोगों को शर्म आती थी उस जमाने में, शर्म फील करते थे उस जमाने में। लेकिन आज तो युग ही बदल गया है, आज लोग सोते 3 बजे, उठते 10-11 बजे, ऐसा सिस्टम हो गया लोगों का, समझ आया ही नहीं आया। लेकिन सोच कर देखो, उस समय लोगों को शर्म आती थी या लोग कहते थे शर्म नहीं आती वे, अभी सूरज चढ़ा ही है तब कह रहे तूने शर्म नहीं आती, कितने बजे उठा, देख सूरज चढ़ गया। मतलब सूरज काफी देर बाद चढ़ने से पहले लोग उठते थे, ऐसा जमाना था। लेकिन कोई बंदा 1 बजे चर्च आ रहा है, सुबह प्रेयर होगी, प्रेयर पिलर भी हो गया है इस मीटिंग में, उसके बाद इतनी जबरदस्त गवाहियां होगी, गवाहियां सुनने से गवाहियां बनती हैं, वचन सुनने से हम आगे बढ़ते हैं, वचन सुनने से परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, वो मन बनता है। तुमने गवाहियां सुनी नहीं तो गवाहियां की कैसे अपेक्षा करोगे? तुमने क्या हुई गवाहियां, कैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा? अगर तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ा तो तुम कैसे छुए जाओगे? कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। तभी परमेश्वर आपको छुएगा जब आपका फेथ होगा, आपका फोकस होगा। तो इसीलिए अपने फोकस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है
शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम लोग ये जो लोग लेट आते हैं, गड़बड़ गड़बड़ जीते हैं, सही से नहीं चलते परमेश्वर के साथ, ये आपका शरीर है, ये आपका नुकसान करेगा, आपको आशीष नहीं लेने देगा ये आपका शरीर। ये आपका बाइबल में गलातियों 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरोध में। सोच कर देखो वचन क्या है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर आत्मा के विरोध में क्यों है? क्योंकि शरीर जो आत्मा के काम है, जो सही करना है, सही चलना है, वो नहीं करता। तो क्या आप शरीर में रहना चाहते हो हमेशा के लिए? बाइबल ये कहती है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा से शरीर की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। अभी जो बंदा गवाही देकर गया, वो कहता जब मैंने लकड़ी का काम सीखा तो मुझे समझने में, सीखने में टाइम लगा, तो मैंने सोचा जब मुझे इतना टाइम लगा तो मुझे परमेश्वर के साथ भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। पर ये जो क्या कहते हैं, रूढ़े लोग हैं, रूढ़ी है वो, क्या है जो परमेश्वर में घर आकर परमेश्वर के, देखो ये वचन है, ये वचन क्या रूढ़ी मनुष्यों का नहीं है, जो कहते हैं तुम यहां आए हो तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलना, कौन है ये रूढ़ी मनुष्य नहीं है क्या? ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के घर में आशीष मिलनी है या नहीं मिलनी? इसका मतलब जो भी लोग यहां आते हैं ऐसी किसी को शिक्षा देते हैं, वो शैतानी है, वो दुष्ट के गुलाम है, वो अपने जीवन को तो नष्ट करेंगे करेंगे, तुम्हारा भी मन खराब कर देंगे। ऐसे लोगों के बारे में तुरंत बताओ टीम को कि फलाना बंदा, ये बंदा प्रभु के घर में गड़बड़ कर रहा है, इसको देखो चेक करो, ताकि उसका भला हो जाए। तुम उसके बारे में तुम्हें बताना चाहिए। ऐसे जो भी रूढ़ी लोग होते ना, रूढ़ी, ऐसे लोगों को मैं रूढ़ी कहता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, परमेश्वर के घर को कह रहे हैं कि आशीष नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? 100% मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब इतनी गवाहियां बन रही, जब इतने काम हो रहे, जब इतनी आशीष मिल रही, जब परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की हजूरी है, ये कोई मनुष्य का भवन नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, कंपनी नहीं है, पवित्र भवन है। पवित्र भवन में आकर भी रूढ़ी बातें, कूड़ा बातें करने वाले मनुष्य तुम्हें हर दुनिया में कोने में मिलेंगे, और भी चर्चेस में मिलेंगे, पूरी दुनिया में तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तुम्हें बढ़ना होगा आगे। आप जानते हो, मैं जब जलालाबाद क्रूसर में था तो मुझे वहाँ एक बात करनी थी उन लोगों से, क्योंकि वो लोग कई सोचते होंगे कि मैंने ले एंड तो किया नहीं उस दिन। मुझे ले एंड इसलिए नहीं करना था वहाँ पर, क्योंकि मुझे स्पेशल मिलना था लोगों को। ये मैं उस वक्त बता नहीं पाया, लेकिन ये मैसेज आज वहाँ पर अगर जितने भी लोग आए उनको मिल गया होगा और वो आगे आगे पहुँचा दें। मैं एक मंथ के बाद वहाँ जितने लोग जुड़ रहे हैं उनसे स्पेशल एक मीटिंग, बिना लाइव से, बिना किसी बड़ी मीटिंग से करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे कोई भी फैसिलिटी किसी अगुए की आपको नहीं मिलेगी। आप जानते हो, अगर मुझसे कोई मिला नहीं तो उसका कारण है हमारी टीम। वो टीम क्या है? टीम, मैं जानता हूँ टीम क्या है। टीम जब काम करती है तो ये भूल जाते हैं। इसके लिए मुझे एक सिस्टम देना पड़ेगा। सिस्टम क्या देना पड़ेगा? हमें एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा परमानेंट, रोज जब भी लोग कहते हैं मिलना है मुझसे, तो वो टीम कहेगी वहां जाकर लगाओ। उसको हफ्ते में चेक किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। इनका कसूर बस यही है कि आपने बोला होगा ये भूल गएंगे, फिर आपने बोला होगा फिर भूल गए। ऐसा नहीं, यहाँ मीटिंग होती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम समय समय पर करते जाते। कोई ऐसा वीरवार संडे नहीं होता जब हम लोगों से मीटिंग नहीं करते। कॉन्टिन्यू 8, 10, 15, 12, 13 जितनी फैमिली हो सके हम मीटिंग करते रहते हैं, बीच बीच में लोगों की बात सुनते रहते हैं। ये फैसिलिटी तो यहाँ तगड़ी है, शायद तुम्हें और कहीं ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? एक बात याद रखना, क्रिश्चियनिटी में एक शब्द है
मसा, और लोग कहते हैं ये अगुए के पास बड़ा है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है लोगों, और इसीलिए वो ब्लेस नहीं होते, इसीलिए आशीष नहीं पाते। इस अगुए के पास मड़ा मसा बड़ा है, इसकी जानकारी अच्छी ना होने की वजह से लोग भटकते रहते, उन्हें पता नहीं अगुए का कहाँ क्या काम है, अगुए ने तुम्हें क्या देना जिससे तुम्हारा बेस्ट लाइफ होनी। कितनों को बात समझ आ रही? तो वो हम देते हैं बेस्ट चीजें, और जिससे लोगों की बेस्ट लाइफ होगी, अच्छी लाइफ होगी। लेकिन आज मैं अपने टॉपिक को आगे लेकर बढ़ूंगा, और लेकिन ये टॉपिक तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी था तुम्हें समझाना। लेकिन अभी है ना, आज पिछले थर्सडे में फेथ का भेद, विश्वास के भेद पर इस टॉपिक पर बात कर रहा था, लेकिन अभी मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा कई हफ्तों तक, लेकिन बीच में मैंने एक लाइन और जोड़ दी नीचे, भविष्यवाणियां और चंगाइयां, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जब तक तू शुरू नहीं करेगा आएंगी नहीं भविष्यवाणियां, तू सोचेगा कि आएंगी तो नहीं आएंगी, मुझे ये स्पेशल दर्शन में कहा, इसीलिए मैं आ गया प्रैक्टिकल में। पता नहीं आज कितनी क्या करता है परमेश्वर मेरे साथ, लेकिन उसने मुझे कहा ये करने से आनी है और बढ़नी है। जैसे हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो विश्वास बढ़ता जाता है, हीलिंग ज्यादा बढ़ती जाती है। इसी तरह परमेश्वर ने मुझे कहा इस वरदान में तू सोचना कि ये आएगा, वो तेरे अंदर है। उसने मुझे कहा तेरे अंदर है, तू स्टार्ट कर, नजारा फिर देखेगा तू। तो इसीलिए मैं मैदान में उतर आया हूं इस दर्शन को लेकर। आज मुझे कुछ पता नहीं अभी तक भविष्यवाणी क्या आनी है, क्या नहीं आना, क्या होना है, एबीसी भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बड़े फेथ में हूं, सच्ची मैं पूरे जबरदस्त फेथ में हूं कि आज मेरे मुंह से भविष्यवाणियां लेकर ही आएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी हम इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने गवाहियों को काफी टाइम दे दिया, लेकिन वो बड़ी बातें थी, क्योंकि मैं हूं तो बड़ी चीजें आपके दिमाग में डालूंगा, ठीक है, तुम्हारा विश्वास बढ़ाऊंगा। तुम्हारा विश्वास जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट होगा, उतने तुम्हारी बीमारियां हट जाएगी, जितना तुम्हारा विश्वास बड़ा हो जाएगा, ये बात याद रखो। लेकिन हम यहां से शुरू करते हैं आज एक वचन से। पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं विश्वास का मतलब यह है जो नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने आज भविष्यवाणियों के लिए क्या कर लिया, विश्वास कर लिया कि मेरे मुंह से होंगी, तो मैं इस चीज में आ गया हूं, क्योंकि मुझे दर्शन में परमेश्वर ने कहा है अगर ये वरदान को प्रकट करना चाहता है तो ऐसा आगे, फिर देखना, सोचने से नहीं है होना। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूंगा। विश्वास का मतलब ही ये है जो नजर नहीं आ रहा उसको कहते हैं विश्वास, ठीक है। जैसे परमेश्वर आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन विश्वास के भेद की बातें बहुत सारी है जो तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है अपने जीवन में, ताकि तुम सही विश्वास और विश्वास का भेद इसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। लेकिन यहां से मैं तुम्हें आज कुछ बातों को समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा विषय आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर गलातियों की पुस्तक में मैं जा चुका हूं, यहां पर आप लोग भी गलातियों की पुस्तक में आ जाओ, ठीक है। चाहे आप लोग पढ़ो कम, लेकिन सुनने में ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेन यहां है सुनना तुम्हारा, पकड़ करना, ठीक है। 3:19 में लिखा, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था क्या होती है? एक्चुअली व्यवस्था का मीनिंग क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध, हिंदी में इसको कहते हैं व्यवस्था, किसी भी चीज की व्यवस्था। जैसे आपके घर में गेस्ट आए तो उनके खाना बनाने की व्यवस्था, चाय, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट, मिठाई, आपने क्या की खाने के लिए, चाय के साथ व्यवस्था की आपने, ठीक है, इसको कहते हैं व्यवस्था। पुराने नियम में जब पाप आया मनुष्य के द्वारा, तो पाप से मनुष्य मर रहे थे पाप में, तो
तो पृथ्वी पर कॉन्टिन्यू पाप बढ़ता जा रहा था। जैसे अभी ये पंजाब है, तो पंजाब में एक नई सरकार आई तो इन्होंने, क्राइम भी बढ़ रहा है पंजाब में और नशा बढ़ रहा है, और क्योंकि सरकार ढीली है, सरकार इस पर कुछ भी स्ट्रांग अपना काम नहीं कर रही। क्योंकि मेरा काम होता तो मैं करता, मुझे बनाओ मुख्यमंत्री, कोई बनाकर देखे मुझे एक महीना मुख्यमंत्री, नशा क्या, नशे का नामो निशान नहीं रहने दूंगा। मैं कहता क्राइम क्या, इधर से कान पकड़ लेंगे वो, क्या कहते हैं उनको, जो क्राइम करने वाले। क्योंकि एक्चुअली मैं जो सेवा करता हूं ये अलग विषय है, वो एक पावर अलग विषय है, ये बात सीख लो। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर की महानता क्या है, परमेश्वर ने, वो दुनिया पाप कर रही थी, गलत कर रहे थे, तो परमेश्वर ने व्यवस्था में उन्हें बताया पाप क्या है। ये तुम चोरी कर रहे हो, वो चोरी करते थे लेकिन उनको पता नहीं था। जैसे वो लड़का कहता मैं तो अपने संसार में जिंदगी जी रहा था, अपनी जो भी मेरा धर्म था, पाठ पूजा था, मैं करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था व्हाट इज सिन, पाप क्या है। क्योंकि हमारे घर में हमारे माता पिता ने भी नहीं सिखाया और ना ही हमारे धर्म में कभी इसकी कोई शिक्षा थी। कहता वो तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई, वो क्रिश्चियन थी, तो क्रिश्चियन लड़की थी तो गर्लफ्रेंड बन गई, वो भी उल्टी थी। एक अच्छा काम किया उसने, सुसमाचार दे दिया उसको। कहता जब उसने ये सुना कि मेरी मम्मी कैंसर से ठीक हुई, यीशु मसीह ने उसे ठीक किया है, तो वो सोचने लगा अच्छा कैंसर ठीक कर देता है परमेश्वर। अब ये लड़की का ध्यान कुछ और है, यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे ऐसे, हाँ जी हाँ जी की कहने आंदे ठीक हो रहे गए, चलो चलो चली। कुछ लोग ऐसे आते हैं बेचारे सोए हुए, कुछ लोगों को समझा भी दो ना ये मत करो आपका नुकसान है, फिर कर रहे होते, कुछ लोग ऐसे होते। लेकिन वो लड़का अलग था, वो कहता जब मुझे पता चला, मैं यीशु मसीह के बारे में सर्च करने लगा, सुपारणा मिनिस्ट्री आई, तो मैं ऐसी चीजें बताता रहता हूं सिन के बारे में, पाप के बारे में, तो बहुत सारी बातें समझ आई, तो वो बढ़ गया। क्या हो गया वो, फिर उसे समझ आया पाप क्या है। बाइबल कहती वो दुनिया को चोरी करना, किसी को मारना, मुझे भी याद है जब मैं भी संसार में था, जब मैं 10 साल से था, मैं भी चोरी कर लेता था, हम भी गलत चीजें करते थे। मुझे याद है मेरे घर वालों ने भी नहीं कभी कहा कि ये गलत है, सच्ची कई बार हम छोटी छोटी चीजें चुरा कर ले आते थे, किसी के चारा चुरा कर ले आते थे, किसी की कोई चीज घर में ले आते थे, गांव में रहते थे, तो घर वालों ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उनकी भी बुद्धि बंद थी, शैतान ने बंद की थी, उनको भी लगता था फायदा हो गया, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। तो बाइबल में क्या लिखा, पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था में उन्हें बताया पाप क्या क्या है, ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत, तुम ऐसा करोगे ये होगा तुम्हारे साथ, ऐसा करोगे ये होगा, इसके लिए ऐसा करो ऐसा करो। तो एक व्यवस्था दे दी रीति रिवाजों की। परमेश्वर ने, वो शारीरिक लोग थे, उन्हें आत्मा की चीजें समझ नहीं आनी थी, परमेश्वर ने कहा वेदी बनाओ, जानवरों को लो, जानवर जो थे उसका जो लहू है छिड़काओ मेरे सामने, उसके लिए अपने पापों से हर साल मेरे सामने आओ। तो ऐसा करने से उनके दिमाग में ये बैठ रहा था कि ये, क्योंकि अब प्रैक्टिकली जानवर काटा जा रहा है, उसका लहू परमेश्वर के सामने लेकर आया जा रहा है पापों के क्षमा के लिए हर साल, तो उनके दिमाग में फिजिकल बैठ रहा था सारा कुछ, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं था। बाइबल ये कहती है वो मनुष्य के पाप का कोई भी सोल्यूशन नहीं था, वो एक टाइम में परमेश्वर का सिर्फ प्रबंध था मसीह तक आने का, ऐसा लिखा बाइबल में। तुम्हें यह समझना होगा और दुनिया को समझाना होगा, खुद को समझाना होगा। अगर तुम मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास करोगे, तुम शरीर में हो अभी भी, तुम आत्मा में नहीं आए। सबसे बड़ा प्रबंध है इस समय परमेश्वर का, वो है आत्मा। वो कितना बड़ा प्रबंध है, जब तक तुम सारे इसमें ध्यान नहीं दोगे, हर चीज साइड पर नहीं करोगे,
जो भी रीति रिवाज व्यवस्था मटेरियलिस्ट चीजें हर चीज को साइड पर करके आत्मा में ध्यान नहीं दोगे, तुम कभी भी आत्मा में चल नहीं पाओगे। इसीलिए तुम दुनिया भर के क्रिश्चियंस लोगों को देखना, गवाहियां भी बनेंगे, शरीर में भी रहेंगे, झगड़ा भी करेंगे, हालातों में भी आएंगे, सब कुछ चलता रहेगा साथ साथ, जबकि मसीह में ऐसा नहीं। बेस्ट जीवन, उत्तम जीवन है। अगर उत्तम जीवन लेना चाहते हो तो फिर समझना पड़ेगा क्या करना है। तो यहां पर परमेश्वर बात करते हैं 3:19 में, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश तक, उस वंश के आने तक रहे, यीशु के आने तक रहे, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के एक मध्यस्थ के द्वारा या हाथ ठहराई गई। व्यवस्था तो नहीं, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर क्या समझा रहा है? व्यवस्था, रीति रिवाज, जैसे पूरे धर्म, पूरी दुनिया के लोग हैं, उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई पवित्र आत्मा की व्यवस्था नहीं है। सब मनुष्यों के बनाए हुए पृथ्वी के मटीरियलिस्ट रीति रिवाज हैं, और उन्हीं में वो अपनी धार्मिकता समझते। एक टाइम में क्रिश्चियंस लोग भी ऐसे थे पुराने नियम में, लेकिन नया नियम मसीह तक आने तक थी वो व्यवस्था, ऐसा वचन कहता है। और 21 में लिखा, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। मतलब व्यवस्था से लोगों को पता चला पाप क्या है, तो फिर पाप के अधीन होंगे। समझ आया कि ना? लेकिन वो व्यवस्था पाप के अधीन तो हमें कर गई, लेकिन उसका सोल्यूशन व्यवस्था में नहीं था। ये बात याद रखो, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। 23 में लिखा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। विश्वास के आने से पहले इस दुनिया में क्या आपने विश्वास करना था जिससे आपको जीवन मिलना था? यह बड़ा विषय था आप लोगों के लिए। हालेलुया। इस दुनिया में आपको जीवन मिलना था, एक विश्वास दुनिया में आने वाला था, जो परमेश्वर आपको बताने वाला था तुमने क्या विश्वास करना है इस दुनिया में, जिससे आपको मोक्ष, मुक्ति मिलने वाली थी। पूरी दुनिया में लाखों तरह का विश्वास है। अरे यीशु मसीह में एक यहोवा विटनेस है, वो यीशु को एक बंदा मानते, इंसान, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। यहोवा विटनेस वाले यीशु के लोग, ये शैतान का काम है, इधर भी गड़बड़ करके रखी है। जब अरे दुनिया में सबसे बड़ा जो मिशन है ना, वो है रोमन कैथोलिक यीशु का, उससे सेकंड नंबर पर आता है। पंजाब में कई सारी मिनिस्ट्रियां हैं, यहोवा विटनेस के सामने कुछ भी नहीं, छोटा सी तिनका का है उस मिनिस्ट्री के सामने, इतनी बड़ी यहोवा विटनेस मिनिस्ट्री है, लेकिन उनका विश्वास देखो सारा खराब है। वो सिर्फ यहोवा पर करते हैं, ना पवित्र आत्मा पर करते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ है। तो तुम्हें अपने राइट फेथ को बनाना है, सही इस विश्वास के भेद को समझना है, ताकि तुम राइट बने रहो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर बाइबल में लिखा 23, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, व्यवस्था के बंधन में रहे। तब तक उसी व्यवस्था के बंधन में रहे, उस विश्वास जो आने वाला था, अभी हमारे लिए वो विश्वास प्रकट होने वाला था। लेकिन आगे क्या लिखा? इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी वो हमारे लिए शिक्षक, मतलब अगुआ बनी वो व्यवस्था। लेकिन लिखा कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, मतलब उस व्यवस्था के अधीन न रहे। कितना बड़ा वचन है, सोच कर देखो, परमेश्वर ने क्या कोई बात लुकाई हमसे? लेकिन आज लोगों को, मसीह में चलने वाले लोगों को,
ये नहीं समझ आ रहा हमारा आज एक्चुअल में विश्वास क्या। तुम समझते हो मैं यीशु मसीह में हूं, तुम समझते हो मैं यीशु में हूं, मैं तो संसार में नहीं हूं, मेरा यीशु सब कुछ है, तो मेरा विश्वास है। क्या अकेला ये विश्वास है? क्या आपके विश्वास के साथ चीजें तो नहीं ऐड कर दी? जैसे एक जगह पर वचन में भी कुरिन्थियस में एक जगह पर लिखा है, प्रेरित पॉल कहता है कि जब मैं चुना गया तो मैंने बड़ी बुद्धिमानी से, बुद्धिमानी मतलब बुद्धिमान राज मिस्त्री की तरह मैंने अपनी नींद डाली। कितनों को बात समझ आ रही है? वो कहता है जब मैं चुना गया, जब मुझे समझ आया विश्वास क्या है, यीशु कौन है, तो मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींद डाली। मैंने उस पर कहता कुछ लोग जो नींद डालते हैं वो क्या, मैं इसको तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, ये वचन ना अच्छा है आपके लिए, मैं चाहता हूं इसकी अच्छी समझ आपके अंदर बैठ जाए ताकि तुम्हें ये वचन से पूरा पूरा फायदा मिले। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मे बी शायद मुझे ये वचन दूसरा कुरिन्थियस में मिलेगा, एक मिनट में जल्दी टीम नंबर बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, हमें दूसरा कुरिन्थियस में दूसरा कुरिन्थिया, फर्स्ट कुरिन्थिया 3:10, हाँ ये मिल गया। क्या लिखा देखो, 3:10 में लिखा, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता हूं। इस चीज को सीखो, ये परमेश्वर क्या बात कर रही, नींव डालने के बाद हम क्या रखते हैं उस पर रदा, वो रदा रख 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 है ना, चिंते जाते हैं ना नी को, तो वो नी ऊपर जाती है। ऐसे हमारी जिंदगी है, यीशु मसीह में जब हमारी नी शुरू होती है तो उस पर हम रोज रोज जीवन जो हमारा जी रहे हैं उस पर रदा रखने के समान है। वो एक फिगरेटिवली बात कर रहा है, कहता मैं उस पर रदा रखता हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस पर नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट घास फूस का रदा रखे, तो ये बात आ रही मटेरियल की। हालेलुया। जो नींव तुम्हारी मसीह है, अब उस पर रदा क्या था, आत्मिक चीजें, विश्वास के कानून, आत्मिक चीजें, उसकी इच्छा जो रोज रोज पूरी करनी थी, वो थी हमारा रदा। जो नींद डल गई है उसमें अब बढ़ना था, बढ़ने का वचन देता हूं मैं तुम्हें अभी। लेकिन कहता हर एक मनुष्य चौकस रहे, उनकी नींव क्या है, वो अपनी नींव पर क्या रख रहे, क्या सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ या घास फूस, मतलब वो बता रहा है तुम मटेरियल रख रहे हो अपनी नींव पर, या तुम क्या अपनी नींव पर रोज रदा रख रहे हो। कितना बड़ा वचन है। तो इसीलिए आज लोगों को परमेश्वर का यह प्रबंध इस समय पवित्र आत्मा का समझनी है। पवित्र आत्मा पाकर भी लोग आत्मा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा लोगों के अंदर है और लोग गीत गाते हैं प्रभु के, आत्मा आ आत्मा आ, समझ नहीं आ रही आत्मा के साथ क्या करना है। तो इसीलिए लोग परेशान हैं हालातों में, दुखों में, इधर भी हो सकते हैं कई लोग हालातों में, वो लोग जो राइट शिक्षा पकड़ नहीं रहे, शिक्षा पकड़ कर चल नहीं रहे। वो तो होंगे ही जो 12 एक बजे आकर बैठेंगे, आए कभी चल गए कभी आ गए, ये शारीरिक जीवन है, ये परमेश्वर के साथ अटैच नहीं करेगा, ये बड़ी बरकतें नहीं लेकर आएगा ये जीवन। ये सोचेगा जरूर बड़ी बरकतें मिल जाए, लेकिन इससे मिलनी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ फिट नहीं बैठ रहा, ये आगे पीछे जीवन है। अरे घर में हम आगे पीछे हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता, संसार में तो हमें काम पर कोई नहीं रखता, वो काम से भी निकाल देते क्योंकि हम काम में सही नहीं चलते,
कभी जाते कभी नहीं जाते, कभी छुट्टियां करते हैं। अगर हमारा सिस्टम खराब है शारीरिक जीवन जीने में भी, दुनिया वहां भी हम सफल नहीं होंगे, समझ आया? तो आत्मिक रूप में तो तुम बिल्कुल गड़बड़ हो, तो अपने शरीर को मारना होगा, ध्यान देना होगा। बरकतें तैयार है आपके लिए, कितनों को समझ आ रही है? तुम्हें पकड़ना होगा, ये वचन दोबारा सुनना होगा घर में बैठकर परिवार के साथ, क्या पॉइंट है, क्या क्या टीचिंग है। वो लड़का कहता, एक लड़के को मैंने देखा जो हमारी चंडीगढ़ की ब्रांच को संभालता है, वो कहता उसने 12 रजिस्टर भर दिए। कहता मैं हैरान हो गया, कहता मैं जब मैं भी खुद आगे बढ़ा तो मुझे खुदा के दास की शिक्षा से ये पता चला 12 रजिस्टर तो कुछ भी नहीं है। जितना ज्ञान आ रहा है पावरफुल, इतना खुदा तुम्हें ज्ञान दे रहा है। अब तक तो तुम्हें बाइबल कहती गुरु होने चाहिए थे, तुम अब भी अन्न नहीं, बच्चों की तरह वो दूध पीते हो, दूध बच्चों की तरह दूध पीते हो। कितनों को समझ आ रही है आज बात? दूध की उदाहरण ये है, बच्चे हो तुम, अन्न खाने वाले नहीं, सियाने हो। अरे अब तक तो तुम जैसे वो कहता मैं लोगों को बताता, एक दिन मैं परेशान था, मैं कहता था पापा को मिलाओ, लेकिन पापा की टीचिंग ने मुझे इतना स्ट्रांग कर दिया। आज मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ, मैं जेल में गया वहां गुड न्यूज दे रहा हूँ, मैं लोगों को वर्ड दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और लोगों का भला हो रहा। देखो एक दिन खुद मर रहा था, फंदा फांसी का लेकर मरने वाला था, जब ज्ञान समझ आया, टीचिंग समझ आई, बढ़ गया। कितनों की समझ आई? ध्यान दिया उसने, ध्यान देना पड़ेगा। जीवन तैयार है, यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा, ये तुम्हारे दिमाग में फिट बैठना चाहिए अच्छे से। और यहां पर बाइबल क्या कह रही है, चौकस रहो तुम कैसा हृदय रखते हो। अरे अब अगर तुम यीशु जो विश्वास आने वाला था, जब वो आ चुका तो अब हम उसके बंधन में नहीं, उस व्यवस्था के बंधन में नहीं, परमेश्वर ये बात कर रहा है। लेकिन याद रखो आप एक बात को, अगर आपका जो राइट फेथ यीशु में, उसके साथ साथ आपकी नींव के ऊपर कोई 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 मटीरियलिस्ट चीज रखी जा रही है, कोई चीज रखी जा रही है, ये कि अगर इसके कुछ नहीं होना उससे, वो खाली आपको एक दिलासा है। क्या है वो? एक जस्ट एक दिलासा। आत्मा में बढ़ना पड़ेगा, आत्मा का मेन प्रबंध है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर इतना बड़ा यहोवा विटनेस मिशन जो है वो आज यीशु को मानता नहीं, नफरत करते हैं वो लोग। आप यहोवा विटनेस वालों को मिलना आपकी विरोध करेंगे, वो नया नियमन वो उन्होंने फाड़ दिया, शायद अपना बाइबल रखा है। ये दुष्ट की ओर से चीजें होती, विश्वास खराब है ये। क्योंकि जब तक बाइबल में एक जगह पर यीशु कहता है अपने चेलों को, कहता है जो तुम्हें ग्रहण करेंगे वो मुझे ग्रहण करेंगे, जो मुझे ग्रहण करेंगे मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेंगे। वो कहता है जो तुझे तुष्ट जानेंगे वो मुझे तुष्ट जानेंगे, जो मुझे तुष्ट जानेंगे वो मेरे भेजने वाले को तुष्ट जानेंगे। ये बात यहोवा विटनेस वाले के दिमाग में नहीं बैठ रही कि जिस यहोवा को तुम कहते हो वही यहोवा खुद यीशु है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उनके दिमाग में नहीं बैठ रही, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बाइबल की बातें इधर उधर बहुत हेर फेर है। लेकिन याद रखना, इसी में क्यों परमेश्वर इतने भेद चीजें आपको बता रहा मेरे द्वारा, क्योंकि वो चाहता है तुम भी हजारों लोग राइट शिक्षा में जीतो या नहीं भी प्रभु में उन्हें जीतो, वो चाहता है तुम ये उसका काम करो। तुम्हें जैसे वो लड़का परमेश्वर के लिए मांग रहा है, परमेश्वर मुझे काम दो, परमेश्वर मैं तेरा काम करना, मैं तेरे लोग बचाना चाहता हूँ। कहता है मैं 40 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर तक भी गुड न्यूज देने जाता हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम खाते हो रोटियां, डकार मारते हो, बैठ जाते हो, प्रभु प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ते सोइए दे, चल जी हो गया, दे दो चीजें, दे दो प्रभु, राशन लिस्ट लेकर बैठ, प्रभु मेरी कुड़ी मेरा मुंडा है बारन चल जाए, ये छत चल जाए, तब प्रभु प्रभु ओ कर भी दे दे, प्रभु आप प्लाट भी दे दे, आप दो और ही दे दे। राशन लिस्ट बनाई है चीजों की, प्रभु के लिए जीना कहाँ है? पहले जीना बनाओ, चीजें तुम्हारे पीछे आएगी ढेरों से ढेर, लिख कर देता हूं ढेरों आएगी, जबरदस्त आएगी। और मैं एक ऐसे स्ट्रांग फेथ में हूं, मैं तो चैलेंज करके आने वाले दिनों में अन्य जातियों को काम करने वाला, चैलेंज करके हीलिंग करेंगे, चैलेंज करके सामर्थ को प्रकट करेंगे। क्योंकि जैसे हम उन्नति कर रहे हैं, जैसे हम बढ़ रहे,
तो ये टीचिंग के बाद तुम्हें ये समझना होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुलसियों में तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं, वहां पर तुम्हारे लिए एक बड़ा वचन है। ये क्यों वचन तुम्हें पकड़ना होगा आज, क्योंकि अगर तुमने ये पकड़ा नहीं तुम कैसे बढ़ जाओगे सही चीज में, ठीक है। मुझे अपना वचन भी लंबा नहीं करना आज। ये देखो क्या लिखा है यहां पर, कुलसियों 2:6 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसी में चलते जाओ, ये तुम्हारा विश्वास। तुमने कौन से प्रभु को ग्रहण किया है, जिस प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु तो बड़े हैं, दुनिया के पास भी प्रभु हैं, है या नहीं, बोलो। लोगों के पास वो भी प्रभु हैं जिनकी 360 शादियां हुई, ऐसे भी प्रभु हैं लोगों के पास। और बाइबल में लिखा जो परमेश्वर वो अपने बच्चों से कभी शादी नहीं करता, बोलो। अगर उसने अपने बच्चों के साथ शादी करके संबंध बनाया वो परमेश्वर नहीं, वो मनुष्य। लेकिन तुम्हारे लिए वो प्रभु हो सकता है अज्ञानता में, लेकिन ये सीख लो परमेश्वर पवित्र है, वो अपनी स्त्री बनाई हुई के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। अगर वो बनाएगा तो कूड़ परमेश्वर है वो। मैं ऐसे परमेश्वर को परमेश्वर मान ही नहीं सकता, लेकिन वो परमेश्वर इसलिए मैंने माना है क्योंकि वो महापवित्र है, वो सामर्थ्य है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके दिमाग में ये बातें बैठ रही या नहीं बैठ रही? इसीलिए अपना ध्यान दो। लेकिन यहां पर ये बात लिखी है, और उसी में जड़ पकड़ तक बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अब जो यीशु है वो कौन है? वो एक आत्मा है, आत्मा से जन्मा है, सारे जगत के पाप के लिए। ये तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हें पाप से छुड़ाकर परमेश्वर से मिलाए या अपने आप से मिलाए, या तुम्हें अनंत जीवन दे, या तुम्हें सारी मुसीबतों से निकाले। ये उसने काम पूरा किया अपनी जीवन से, क्रॉस पर चढ़ना। ये क्रॉस पर चढ़कर जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया, ये तुम्हारा विश्वास। और बाइबल कैसा कहती, जब वो मुर्दों में जिंदा हुआ उसमें तुम जिंदा हुए, ये तुम्हारा विश्वास। सुनो इधर देखो, सुनो, अगर ये तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए अच्छे से, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, अगर तुम्हारा जिसका किराए का नहीं अपना घर है, तो तुम्हारा अपना घर है, तुम घर जाते वक्त जैसे पहुंचे घर के बाहर, तुम्हें डाउट होता है ये मेरा है कि पता नहीं है, ऐसा डाउट करते हो कभी? जो घर तुम्हारा है, क्या तुम्हारे दिमाग में ये कभी बात होती है कि ये मेरा नहीं? अब सोचते मेरा नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, क्या कोई डाउट ऐसे कच्चा पक्का मन कोई होता है कि 100% तुम आराम से अंदर जाते जो मर्जी करते क्योंकि तुम्हारा घर है? बोलो, इसको कहते पक्का विश्वास। अगर तुम्हारा पक्का विश्वास है कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, मार खाई, यीशु ने मुझे आजाद करने के लिए छुटकारा दिया पाप हर चीज, अगर तुम्हारा ये फेथ है, बोलो, अगर तुम्हारा ये फेथ है, फेथ, कितनों को बात समझ आ रही, तो सोचो अगर पक्का है तो तुम आगे पीछे हो जाओगे कभी? तुम्हें हर वक्त पता होगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए पक्का है, ये तो छुटकारा है, ये फेथ कच्चा हो रहा है मटीरियललेस चीज। इसीलिए जो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है, ये पक्का ना होने की वजह से ही लोगों के अंदर डिलीवरेंस नहीं है, चंगाइयां नहीं है, छुटकारा नहीं है, लोग आत्मा से भरे नहीं है, लोगों को आत्मा में चलना नहीं आता, इसी फेथ की कमी के कारण। ये सेट नहीं है लोगों के, इसे सेट करना होगा अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर ये समझ आया, इसीलिए ऐसे लिखा, उसी में जिस प्रभु को तुमने ग्रहण किया, जड़ पकड़ो, बढ़ो। पहले हम जड़ फड़ेंगे और ऊपर से बढ़ते जाएंगे, और जैसे विश्वास में सिखाए गए उसी में बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ। ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान लोगों के अंदर इतना सेट नहीं, इसीलिए लोग ब्लेस नहीं। मैं कहता हूं हमारी ब्रांचेस बढ़ेंगे, हमारी ब्रांचेस में यहां वहां जहां भी हम काम करेंगे, सबसे ज्यादा आशीष लोग हमारे पास,
सबसे ज्यादा बरकतें पाए लोग यहां होंगे और ये जल तगड़ा विशा खुदा प्रकट कर चुका है यीशु मसीह। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं बाइबल से, लुका की बुक से, ठीक है। इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी से खत्म भी करेंगे, ठीक है। इसका 8 अध्याय में हम जाएंगे और 22 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? फिर एक दिन यीशु और उसके चेलों नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन? यीशु। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह बड़े जोखिम में पड़ गए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। अगर यहां तक जब तुमने वचन पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग, ठीक है। सुनो, यीशु उन्हें उनके साथ नाव में बैठकर दूसरे एरिया में जाने वाले, लेकिन अचानक उस समंदर में नदी में तूफान आ जाता है, तेज तूफान आंधी जिसे बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उछल रही है और उनकी नाव में आकर गिर रही है, जिसमें लिखा पानी से भरने लगी नाव और नाव डूबने लगी। लेकिन आप सोचो, जब ऐसा हो रहा था तो वो मछुआरे थे, कई सारी तकनीक होगी उनके पास बचने की, पूरे एफर्ट्स लगाए होंगे, ये किया वो किया, शरीर की चीजें अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि हम बच जाएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर वापस किस पर विश्वास किया? अपना मटेरियल कुछ भी वहां एफर्ट सब कुछ लगाया या नहीं लगाया? बोलो, वो मछुआरे हैं, बोट की नॉलेज रखते हैं, नदी की नॉलेज रखते हैं, तो वहां पर कई चीजें होंगी, वो कपड़ा सा होता है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाव में कुछ उनके चप्पू होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसे जब ऐसी चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं बचने के लिए। लेकिन उन्होंने सारी कोशिश की, शरीर की चीजें सारा कुछ किया, आखिरकार नाश होने वाले थे, पूरी तरह से डूब कर मरने वाले थे। फटाफट प्रभु याद आया, यीशु हमारे साथ है, क्योंकि काम देख रहे थे उसके द्वारा। उसको जाकर कहते, प्रभु स्वामी हम तो नष्ट हो रहे। और जैसे यीशु उठता और देखता हालात और उठकर जानते उसको क्या कहता है यीशु अपने चेलों को, एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहता है यीशु। यीशु कहता 25 में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? ये कहा यीशु। यीशु ने एफर्ट्स लगाने के लिए नहीं कहा, तुम्हें मटीरियलिस्ट चीज के एफर्ट्स लगाने के लिए कहा, उसने उन्हें यह कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि यीशु मसीह ने सिखा रहा था विश्वास के बारे, कैसे विश्वास काम करता है। क्योंकि हमारे विश्वास का मतलब होता है हमारे मन में परमेश्वर आना, परमेश्वर की समझ आना और उस पर फिर भरोसा आना, विश्वास आना, हमारे समझ में वो परमेश्वर, उसका ज्ञान समझ आना, फिर वो जो हमारे मन में परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, उसके वचनों के द्वारा वो क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता, अगर हमारे अंदर वचन चल रहे तो हमारा विश्वास के साथ परमेश्वर की सामर्थ क्या करेगी। जैसे तुम पकड़ते नहीं हो बात को, मैं तुम्हारे सामने हीलिंग करता हूं, लोगों की रीढ़ की हड्डी के मन के नस दबी है, किसी को पैरालाइज हुआ है, किसी को कोई बीमारी है, जब मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलता हूं यीशु के नाम से इसके मन के हील हो जाए, इसकी नस खुल जाए, तुम्हारे सामने बोलता हूं, तुम ऐसे रहो, ऐसे 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 ध्यान, लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं रहा। जब मैं लैंड करता हूं शरीर में, जितने लोग हैं वो सारे रोटियों की तरफ लैंड, कोई शर्म शर्म नहीं, पापा की पापा पुलपट से देख रहे हैं, कोई शर्म नहीं परमेश्वर में, ओ शर्म भाई पहाड़ में, अहीं ऐदा ही होने हैं, अहीं ऐदा ही रहना है शरीर च। अरे बात को सीखो, तब जब तुम्हारे सामने काम कर रहा है परमेश्वर, ऐसे देखो, मन लगाओ, तुम ऐसा अगर करोगे ना
वहीं हील होते जाओगे, वहीं। इसको कहते हैं विश्वास में बढ़ना। ये विश्वास के बढ़ने की नीति है। इस नीति को पकड़ो और आगे बढ़ो, ध्यान दो अच्छा वाला। लेकिन यीशु मसीह ने उठते ही उन्हें कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? मैंने तो तुम्हें सिखाया था, तुम तो कर सकते थे, तुम भी बोल सकते थे। हालेलुया। मुझे याद है मैं एक टाइम में, मुझे याद है मैं जब हमारा राजस्थान से क्रूसेड था ना, हम इधर चर्च में थे, प्रेयर कर रहे थे, रात के 2 बजे थे, हम 5-6 जाने थे, कुछ टीम मेंबर थे, मैं था। अचानक हमारे शेड के ऊपर ना किड़किड़ किड़किड़ होने लगी, जब बारिश आती जो वो वॉइस आने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते बाहर देखा, निकल कर कहते बारिश आ गई। तो अगले दिन तो क्रूसेड था, तो वो रात वही थी, आज रात था, अगली शाम को क्रूसेड था। मैंने कहा अच्छा बारिश आ गई, तो मैंने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं। मैंने क्या किया? विश्वास। मैंने कहा ये कुछ नहीं। हमने थोड़ा सा धन्यवाद किया, प्रेयर की, मैं पॉजिटिव रहा और मैंने प्रेयर बंद करके इनको बोला मैं घर जा रहा हूं, तुम भी जाओ सो। क्योंकि मैंने परमेश्वर के ऊपर इसको छोड़कर विश्वास कर लिया कंटिन्यू अपने मन में कि ये बारिश कुछ नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। कितनों को बात समझ आई? वो भी जब चेले यीशु के पास गए, जब अपनी रीति रिवाज जो करना था कर लिया, नीति एफर्ट्स कुछ नहीं हुआ, फिर गुरु के पास, प्रभु के पास आते हैं, वो कहता तुम्हारा विश्वास कहाँ है? फिर वो उनके सामने ऐसे बोलता है उस तूफान को, शांत हो जा, रुक जा। तुम बाइबल का वो वचन पढ़ो जहां पर यहोशू ने सूरज को कहा था रुकने के लिए। तुम जानते हो लीव का साल आता है ना, लीव का साल हर चौथे साल में एक लीव का साल आता है। 3 साल तक तो 365 दिन होते हैं पूरे साल में, लेकिन ये लीव के साल में 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। साइंस को भी नहीं समझ आई कि ये एक दिन क्यों बढ़ गया था। ये वही दिन था जिस दिन एक दिन यहोशू ने सूरज को रोक दिया था। किस पर विश्वास करके? परमेश्वर पर विश्वास करके। तो आज तुम्हारा फेथ कहाँ है? वो यही पूछ रहा है यीशु, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? इधर डरना शुरू कर दे, गुस्सा करना शुरू कर दे, चर्चेस के अंदर लोगों की नींव पक्की नहीं की जा रही, लोगों को सिखाया नहीं जा रहा सही ज्ञान, वो बेचारे पकड़कर मतबल जैसे वो सोचते हैं ना, ये इस सिर्फ इस तेल से या इसी से काम होना है। नहीं, तुम्हें बढ़ना होगा आगे, फिर देखो बड़े का। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखो यहां पर यीशु मसीह जब तूफान को बोलता रुक, मुझे याद है एक बार मैं बड़ा उस एक जमाना था, नया मैं प्रभु में था, ऐसे बड़ा विश्वास था मेरा। एक बार मेरे घर में संगति थी, बारिश आ गई, खाना बन रहा था, 6 बजे संगति होनी थी स्टार्ट, 3 बजे बारिश आ गई, मेरे घर टंड भीगने लगा, बाहर ओपन में हलवाई खाना बना रहे थे, भीगने लगा, ये सब पतीले पतीले उठाने लगे। मैं कहा कुछ नहीं उठाना, पड़ा रहने दो, वहां ढक दो इन्हें। मैं धन्यवाद करना शुरू किया, रुक चुका है, कुछ नहीं, तेरी सामर्थ्य रुक चुका है। अगले 15 मिनट में सब कुछ रुक गया था, याद रखो, और सब कुछ साफ हो गया था, और शाम को एक जबरदस्त संगति हुई थी। ये आपका फेथ है, यही बात आपने पकड़नी आज, तुम्हें बढ़ना होगा, इस पॉइंट को सीखना होगा। लेकिन मैं जल्दी जल्दी अभी तुम्हें थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, यहां से इसी लूका के एक अध्याय में। अगर तुम एक अध्याय में जाओगे तो यहां पर तुम्हारे लिए 5 से लेकर 7 तक वचन पढ़ता हूं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हरून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। ये वचन मुझे कंफ्यूज करता था
तो मैं इन दिनों में आत्मा में बड़ा बढ़ रहा हूं, तो परमेश्वर सब बातें प्रकट करता है मेरे पर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जब ये मैं वचन पढ़ता था तो फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अगर इतने प्रभु के साथ खड़े थे, लिखा ना वो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों में निर्दोष थे और उस पर चलने वाले थे, फिर भी बांझ थी, कुक ब्लेस नहीं हुई। मैं हैरान था कि परमेश्वर अगर ये तेरे सामने निर्दोष थे, सब तेरी आज्ञाओं को वफादारी से मानते थे, बूढ़े हो गए थे, बूढ़े होने तक भी बच्चा नहीं हुआ तब भी तुझे छोड़ा नहीं, तेरी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं से सोच रहा था। फिर मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन पर ध्यान दे, इस वचन से तुम्हें समझ आएगी। ये प्रार्थना भी करते थे बाइबल में, जब तुम देखोगे तो ऐसा नहीं ये बच्चा मांगते नहीं थे, मांगते थे लेकिन मिल नहीं रहा था। वाई, जानते क्यों? यहां एक गड़बड़ थी, गड़बड़ थी इनके फेथ में, विश्वास। तुम कितने भी अच्छे मन में हो, अगर तुम्हारा विश्वास अच्छा नहीं ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार कुछ लोग जानते हो कई चीजों में आगे पीछे होते हो, लेकिन विश्वास बड़ा जबरदस्त होता है, उनको कुछ नहीं होता। विश्वास बड़ा मेन पॉइंट है आपके लिए, भरोसा बड़ा मेन पॉइंट है। लेकिन ये बात को आप लोग सीख लो, आपका फेथ बड़ा स्ट्रांग चाहिए। ये फेथ में गड़बड़ थे, फेथ इनका कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा था, जिसकी वजह से इनको बच्चा नहीं हो रहा था। बाकी प्रभु के साथ थे, प्रभु की आज्ञाओं में थे, विधियों में थे, पुराने नियम की जो भी नियम व्यवस्था थी उसमें सब कुछ करते थे। लेकिन हमें ये स्वर्गदूत जब इसके पास आता है, ये 13 में लिखा है, 13 में जब स्वर्गदूत आता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका तू नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर प्रेर करते थे, इसीलिए एक दिन वचन पूरा हुआ। लेकिन आगे जाकर तुम पढ़ोगे तो जब ये वचन स्वर्गदूत उसे दे रहा था तो जानते उसने क्या कहा स्वर्गदूत को? कहता है ये मैं कैसे मानूं कि ये बातें होगी या ना होगी, कैसे मानूं? डाउट। क्या कर रहा था ये जो इसका डाउट था ना, इसी वजह से इसको संतान पैदा नहीं हुई, इतनी देर लग गई। लेकिन बने रहे तो परमेश्वर ने अच्छे मन के कारण एक अपनी योजना को प्रकट किया। वो अगर आप अच्छा मन रखोगे तो बड़ी सारी योजनाएं प्रकट करेगी। लेकिन आपका फेथ बड़ा विषय है, क्योंकि बाइबल कहती है फेथ के द्वारा धार्मिकता है, आपके विश्वास से ही आपकी धार्मिकता है। और जो यीशु मसीह ने पूरा किया वही हमारा विश्वास है, वही हमारा छुटकारा है, वही हमारी धार्मिकता है। लेकिन यहां पर ये क्लैरिटी हमें मिलती है। आप जानते हो जब पत्रस पानी पर चल रहा था तो उसके फेथ में डाउट आया तो वो पानी में डूब गया। जब तक उसका फेथ राइट था वो पानी पर चल रहा था। लेकिन यहां पर तो क्रिश्चियनिटी में, मैं जहां तक लोगों को जानता हूं, कल नर्सों परसों की पता नहीं बात है, मैं किसी से मिला तो वो उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे 11वें पास्टर हो, हमने 10 पास्टर बदल चुके हैं और आपको भी हम छोड़ने वाले थे। मैंने कहा वो क्यों? कहते ये कुछ काम नहीं मरे हुए। मैंने कहा ये मिनिस्ट्री को छोड़ने वाले थे? हमारे और से कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकते ही नहीं गई। ये भी एक दुष्ट आत्मा है, ये भी एक नेगेटिविटी जो लोगों के अंदर काम करती रहती है। पास्टर बदलने से तो नहीं तुम्हारा वो पास्टर, आपको बाइबल में ये लिखा है परमेश्वर आपके पास कोई अगुआ लाएगा या आपको लेकर आएगा जिससे तुम सही सीखो। तो सीख तो रहे हो, अब रेडी हो जो बरकतें पाने के लिए। ये वो खास नियम है। सोचकर देखो, उनका विश्वास आज तक बना ही नहीं। मैंने उन्हें कहा तुम्हारा विश्वास सही बनने में ना अभी महीने कहीं लगने हैं, कम से कम यहां 4-5 महीने बनो। और मैंने टीम को लिखवाया, मैंने कहा लिखो, इनको बोलो, इनको बुलाओ, इनका कम से कम विश्वास सही होने में 4-5 महीने लगेंगे, उसके बाद देखना इनका जीवन। कई बार लोग यीशु मसीह में 10 साल से चलते, आज
हम गवाहियां दे रहे थे कि उन्होंने सुना था चर्च में तुम्हारी परीक्षाएं आएंगी, हालात आएंगी, बीमारियां आएगी। सेवक से सुना, चर्च से सुना, 7 साल चलते थे, गलत विश्वास बढ़ा दिया उनके अंदर। तो गलत विश्वास से क्या होना था? लॉस। जो हम, जो बाइबल, जो परमेश्वर सही विश्वास के बारे में कहता है, अगर ये तुम्हारे अंदर होगा तो तुम जबरदस्त बरकत पाओगे यीशु मसीह। क्या तुम आज मुझे ज्यादा और प्रचार नहीं करना, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे पास तो ढेरों चीजें, ढेरों, क्या है मेरे पास? ढेरों चीजें आपको देने के लिए। लेकिन ये बात आज पकड़ लो, जैसे हम, घर हमारा अपना है तो पक्का विश्वास है ना, मेरा अपना है। जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, छुटकारा, चंगाई, जीवन, अगर ये पूरा विश्वास है आपको कि इस ये यीशु ने जो क्रॉस पर मेरे लिए किया, तो मुझे बताओ कैसे कैसे वो आपका नुकसान हो सकता है? कैसे हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। ये तो मतलब ये, सॉरी मतलब ये कभी कभी ऐसा है ही नहीं कि ना हो। वो तो होना है 100% तुम्हारे लिए, बड़ा जीवन, बड़ा छुटकारा। और वैसे भी मैं एक अलग अगुवा हूं, मेहनत करने वाला। हम हर ब्रांच में, आप जानते हो मैं कल मानसा ब्रांच में जा रहा हूं, और वहां जो कलीसिया बैठी खुश होगी होगी, अभी ब्रांच लगी है। और मैं जहां हमारी चर्च बन रही है, एक हमने जो लीज पर जगह ली है हाईवे रोड पर, वहां पर शेड बन रहा है। शेड हमने पहले ही बना दिया, अभी हम जलालाबाद में भी बना देंगे। देखो बरकत खुदा की। एक दिन हमारे पास 7 साल 5 साल 6 साल शेड नहीं था, इसमें इतना बड़ा शेड हुआ। आज खुदा इतनी बरकत दे रहा है कि हर चर्च में शेड से स्टार्ट हो रहा है काम। हालेलुया। और ये इतनी बुद्धि है खुदा ने मुझे दी। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने बैठकर हिसाब जोड़ा, ये पाइपें इतनी लगनी है, ये इतना, ये चीज इतनी इतनी। अरे मैं तो, मेरा दिमाग कंप्यूटर में है हिसाब लगाने में। मैंने टीम को बताया ये तो इतने में बन जाएगा, छोड़ दो ये, छोड़ दो ये, नहीं ऐसे बनाएंगे। अरे ये बुद्धि दी है मुझे खुदा ने। जब हमारा ये चर्च फाइनल बनेगा ना, ये टेम्परेरी है, ये हटाना एक दिन शेड, ये हटानी है दीवारें। जो यहाँ चर्च बनना है ना, वो तुम्हारी सोच से भी परे होगा, परे। और ये सब होना है, जो भविष्यवाणियां, जो काम तुम देखोगे खुली आंखों से, उसके लिए अभी से मन पक्का कर लो। अभी से कूड़ लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, कूड़ रूढ़ी लोग, ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि ना वो अपनी जिंदगी को सही कर सकते हैं ना दूसरों की। उनका खुद का भी काम होता है भटकते रहना, और लोगों को भी वो भटकाते रहते हैं उल्टी सीधी बातें करके। एक सच्चा बंदा मन अच्छा करता है, बुरा नहीं करता, वो ठुकर नहीं खिलाता। बाइबल में लिखा हाय उस पर जो ठुकर खिलाता है। यहां पर ऐसे लोगों के बारे में जब भी सुनो, टीम को इन्फॉर्म करो, बताओ ये गलत बंदे, ये यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में। वो ऐसे आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है शैतान, जब वो मन नहीं देते, अपना मन नहीं फिराते। लेकिन ऐसे लोगों को हमने बचाना है, बचाना है ताकि उनका भला हो। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे रूढ़ी लोगों को, जो शास्त्री फरीसी थे, उनको कहा है कपटियो तुम्हारे ऊपर हाय, ना तो तुम खुद स्वर्ग में जाओगे ना दूसरों को जाने। यीशु मसीह ने भी ऐसे शब्द यूज किए ऐसे लोगों के। इसीलिए ऐसे लोगों से बचो और ऐसे लोगों की शिक्षा से बचो। इसीलिए उसने कहा फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से बचो। उन्होंने कहा हम रोटी लाना भूल गए, इसीलिए यीशु कहता है, वो कहता है ओ अल्प विश्वासियों, तुम क्यों अपने विश्वास को आगे पीछे करते हो? क्या तुम थोड़े 3 दिन पहले भूल गए 5,000 लोग और 5 रोटियां, 4,000 लोग और 7 रोटियां, तुम भूल गए? वो भूल, जैसे हम भूल जाते हैं परमेश्वर की पावर को, वो भी भूल कर कहने लगे अच्छा खाना नहीं लाए इसीलिए रोटी से ऐसी शिक्षा दे रहा। वो कहता तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कौन हूं? अगर 5,000 लिखा, 5,000 स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर, मेरे हिसाब से 15,000-18,000 लोग थे जिनको 5 रोटियों से और 2 सब्जी के टुकड़ों से यीशु मसीह ने इतने लोगों को खाना खिला दिया। सोच कर देखो उसने हाथ में क्या लिया, रोटी। तो जब रोटी ली तो उस पर क्या मांगी? बरकत।
तुम खाली हाथ बरकत मांगना चाहते हो, तुम्हारा तुम कोई भेंट नहीं रखना चाहते। ये बीज जब तुम डालते हो, जब मैं भी डालता हूं, मैं जब दवाइयां देकर गया, मैं अंदर अपना बीज लेने गया था, अपने बीज को डालने गया था, क्योंकि मैंने भूल गया था। तो मैं उस बीज को डाल रहा था लिफाफे में, इसीलिए मैं अंदर गया। तो लोगों को लगा शायद पापा अंदर चल गए, आपा फिर ऐ ते आए, पापा अंदर थे आपा भी बाहर, आपा भी यहाँ थे। ऊ बदल दो ये सिस्टम को, ये बड़ा खराब सिस्टम है, ये हमारी बरकत को रोकता है। जो इतनी भर भर कर रखी उसने बरकत, उसने तुम्हारे लिए भर भर कर बरकत रखी। वो तुम्हारे बच्चों को बड़े ऑफिसर बनाना चाहता है, वो तुम्हारे बच्चों को बड़े मुकाम तक लेकर जाना चाहता है, वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना चाहता है। अरे मेरी तो कॉलिंग सेवा की है, तो मैंने अपने बच्चों को नहीं जॉब करानी थी, मुझे सेवा करानी थी इनसे, क्योंकि हमारे घराने में ये सेवा का काम दिया है प्रभु ने, परमेश्वर ने। ये मेरे घराने को, मेरी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे बच्चे हैं ना, उनके भी गाड़ी बच्चे जो होंगे वो भी यही काम करेंगे। उनका कोई बिजनेस काम करना विषय नहीं है। जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो लेवियों के वंश को ये काम दिया गया था, बाकी लोगों को, इसराइलियों को, जितने गोत्र थे उनके सबको कहा ये काम करो, जो करना करो, लेकिन लेविया का वंश मेरे भवन की सेवा करेंगे, लोगों को टीच करेंगे, तो ये मेरे वंश में। लेकिन याद रखो ये परमेश्वर की कॉलिंग है, लेकिन तुम्हारे लोग, तुम्हारा घराना परमेश्वर बड़े पद पर लेकर जाएगा। तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे बड़ी पदवियों पर होंगे, लेकिन तुम तभी कब्जा कर पाओगे जब खुदा के साथ खड़े होंगे, वफादार होगे। तुम्हें वफादार होना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के हर नियम को खराई से, जैसे वो आज सॉन्ग गा रहे थे, थोड़ा सा गाओ फिर से, हाथों को उठाओ, ये लास्ट जो सॉन्ग गा रहे थे, हाँ हाथों को उठाओ, रिसीव करो ये सॉन्ग। सब तो पहला, सब तो खीर खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हो सब तो पहला, सब तो खीर खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला, सब तो खास खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। मैं तेरे प्यार नू चेते रखांगा, तेरे प्यार नू चेते रखांगा। हाथ को उठाओ, बाइबल कहती है उसने अपने प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया। सोचो यीशु के प्रेम को, जो सजा पाप की तुम्हें मिलनी थी, जो मौत तुम्हें मिलनी थी उस पाप गुनाह के कारण, जो बीमारियां तुम्हारे जीवन पर थी, वो सजा, वो कील, वो कोड़े, वो मार उसने खाकर तुम्हें आजाद किया। ये उसका प्रेम है, इसलिए गाओ उसकी महिमा के लिए। सब तो खास खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी है। सबसे पहले और खास जगह उसको देना चाहते हैं अपने जीवन में, या अपने बिजनेस को, या अपने काम को, या पैसे को, चीजों को? बाइबल कहती, सोचो यीशु मसीह ने रोटियां ली, उस पर बरकत मांगी। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो बरकत क्या मांगोगे?
तो बरकत मांगने के लिए तुम्हें परमेश्वर के सामने कुछ होना चाहिए। अभी एक भविष्यवाणी, ये फोटो लाओ सामने, ये उड़ीसा से है परिवार, ठीक है। कुछ लोग टीम, थोड़ा सा मीडिया सिस्टम, ये देखो, ये उड़ीसा से, ठीक है। अभी बताता हूँ इनके लिए, हटा दो फोटो, ये बस हटा दो फोटो, सुनो तो देखो ध्यान से। मैंने इस संडे की थी भविष्यवाणी या थर्सडे, थर्सडे, इस थर्सडे मैंने एक भविष्यवाणी की। मैं से मास प्रेयर में हीलिंग के वर्ड रिलीज कर रहा था, वर्ड रिलीज कर रहा था, अचानक मेरे अंदर पवित्र आत्मा एक भविष्यवाणी देता है। मैं बोलता हूँ कि मैं किसी को देख रहा हूँ, उनके ऊपर कर्जा है, तो कर्जा है। तो वैसे ये भविष्यवाणी इनके लिए नहीं थी सच्ची, क्योंकि मैं जो देख रहा था वो नॉर्मल थे, वो उनके पास बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं था, उनके पास पैसा भी नहीं था। ऐसे में कोई आत्मा में देख रहा था, उन्हीं के लिए भविष्यवाणी थी, लेकिन वो काफ़ी कर्जे के नीचे थे, समझ नहीं आ रही थी उनको कर्जे से बाहर कैसे आना है। लेकिन ये भविष्यवाणी ऐसे किसी के लिए होगी, दो के लिए भी हो सकती है, दस के लिए भी हो सकती है। लेकिन इस परिवार ने क्या किया, ये वफादार बड़े हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये उनका पापा है, पीछे लास्ट में लड़की है, तो ये आदमी कलेक्टर ऑफिसर में सीनियर, कुछ ऐसे क्लर्क, सीनियर क्लर्क की जॉब पर है। तो इसकी सैलरी पहले बड़ी कम थी, जब प्रभु में आए, ब्लेस हुए, तो अब 1,20,000 होगी। तो 1,20,000 से सबसे पहले जब सैलरी आती है अकाउंट में, ये 12,000 निकालते हैं। उसके बाद और भी हर मीटिंग में भी अपनी ऑफरिंग डालते जाते हैं, फिर कोई हमारा कोई क्रूसेड आ गया उसमें भी डाल दें, सारा मिला मिलू कर मुझे लगता है ये 20% तक से भी ज़्यादा डाल देते हैं हर महीने, सोचो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर भी थोड़ा सा कर्जा था, 4,00,000 रुपया गोल्ड के ऊपर लोन था। जब मैंने किया तो इन्होंने उसको बड़ा रिसीव किया, विश्वास इतना रिसीव किया, मैंने कहा था हजारों नहीं लाखों रुपया आएंगे अकाउंट में, जबकि मैं अकाउंट में, लोग कहते हैं कि पैसे आ रहे तुम्हारे अकाउंट में, तो वो तो बुद्धि से बोलते रहते, लेकिन मैं तो आत्मा में आया था, मैंने तो आत्मा में ये बात बोली थी। मैंने कहा मैं इसमें खिलाफ हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे आत्मा में आया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो इन्होंने बड़े रिसीव किया मन से, दिल से, और धन्यवाद किया, प्रभु ये वचन हमारे लिए। लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि ये सबसे पहले ये स्लिप दिखाओ इनके अकाउंट में जो पैसे आए, ये देखो 1,00,000 रुपया आया था, पूरा 1,00,000। ये 4,000 जो समथिंग इनका अपना बैलेंस था, ये इनको 1,00,000 रुपया आया पूरा अकाउंट में। इनको खुद नहीं पता कहाँ से कैसे आया, कहाँ से ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं पता, ये डायरेक्ट परमेश्वर ने दिया 1,00,000। लेकिन उसके बाद नीचे वाला एक दूसरा दिखाओ, ये देखो, नहीं नहीं हाँ आगे करो, आगे इसको जूम करो, ऊपर जूम करो इसको थोड़ा सा, ये अब जूम करनी भाई, नीचे करो, ये देखो उसी वक्त 10,000 भी ट्रांसफर कर दिया, उसका 10वां हिस्सा। इतने खरे हैं ये लोग, क्या है ये, अब वो भविष्यवाणी आत्मा से थी, वैसे इनके लिए नहीं थी। और ये इनका कहना है कि हमें ऐसा नहीं 1,00,000 रुपए से आया तो बड़ी खुशी है, ये मीनिंग नहीं है हमारी जिंदगी में, हमें मजा ये आया कि वचन पूरा होता है, आशीष आती, खुदा है वो काम कर रहा है, हमें बस रात दिन ये समझ में आ रहा है कि सच्ची वचन भविष्यवाणी काम करती है। इनको ये फीलिंग बड़ी महसूस हो रही, कितने को बात समझ आ रही, ये इनके लिए मेन था। क्या तुम अपने जीवन को वही रहना देना चाहते हो या बहुत आगे देना, आगे जाना चाहते हो? तो आगे जाने के लिए आज से अपने शरीर को मारना शुरू करो और आत्मा में बढ़ना शुरू करो। कैसे मारते शरीर को, ये हम सिखाते रहते हैं यहां पर, लेकिन ध्यान दो, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग बहुत आगे और ऊपर जाने वाले हैं। और ये भी एक भविष्यवाणी है, क्या तुम रिसीव करते हो? किसकी ओर से? जब भी मेरे मुंह से ये भविष्यवाणी आती, इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग बहुत ऊपर जाने वाले हैं। आमेन आमेन आमेन। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कर रहा हूँ। आमेन 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 आमेन। चलो 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 चलो, आमेन आमेन आमेन।
मुझे ऐसे फील होता है कई लोगों से, फेथ का विषय क्या होता है? यस खुदा, ऐसे फेथ ये मेरे लिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो अगर ये भविष्यवाणी इनके जीवन में काम कर सकती है, तो जिनके लिए ये हुई थी वो कहां सोई हुई? अपनी चाहत को तेज करो, क्योंकि वर्ड जो आता है वो पूरा होता है। वैसे तो कई लोग सुते ही ये अब जाग गए होंगे, हले मैं तो नॉर्मल समझ लिया भविष्यवाणी को, अब प्रभु प्रभु मेरी मेरी मेरी। ऐसा मत करो, ये वो जो शिक्षा दे रहा हूं डाउट, वो जकरिया एलिशिबा लिखा धर्मी थे, निर्दोष परमेश्वर की विधि और आज्ञाओं पर चलते थे, फिर भी बांझ थी। अरे क्यों बांझ थी? परमेश्वर से प्यार था, हाँ वो परमेश्वर है कोई और नहीं है, फिर भी लगे हुए थे, लेकिन विश्वास के साथ नहीं थे उतना जितना चाहिए। आप जानते हो बाइबल में लिखा विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ होगा, प्रार्थना से नहीं विश्वास की प्रार्थना, प्रार्थना अकेली प्रार्थना नहीं विश्वास की प्रार्थना। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो इस बात को सीख लो, और जो वचन 21 दिन का आया था बहनों के लिए जिनको बच्चा चाहिए था, मैं भविष्यवाणी करता हूँ सबके जीवन में पूरा हो चुका है। तो सारे लोग अपने बेबी की गवाहियों से आने वाले हैं, लेकिन ये याद रख लो शैतान ने कुछ लोगों को ये वर्ड पूरा नहीं करने दिया, तो अभी इस गवाहियों से लोगों को पता चलेगा ये कितना पावरफुल था। लेकिन अभी याद रखो वो बहनों को मैंने बताया था मैं सोमवार लास्ट एक प्रभु भोजन दूंगा, लेकिन अब सोमवार नहीं दूंगा, मैं मंगलवार दूंगा उनको एक लास्ट प्रभु भोजन, एक मीटिंग करूंगा उन बहनों से, वो 4 बजे आ जाएं, क्योंकि मुझे कल तो जाना है ना मानसा, तो इसलिए मैं कल उनसे मीट नहीं कर पाऊंगा। तो हमारी मेहनत का फल खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा ला चुका है यीशु मसीह के नाम से।